वेलकम टू नई सुबह कहानी घर। कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुश आमदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी लालची दूध वाला। एक दफा की बात है, गांव में एक शख्स बगड़ू रहा करता था जो आए दिन चोरियां करता रहता था। गांव वालों ने उसे मार पीट कर गांव से बाहर निकाल डाला। अब बगड़ू ने दूसरे गांव का रुख किया तो हैरान होकर रह गया। दूसरे गांव में हरियाली ही हरियाली और बेशुमार गाय थी। हर घर में अलग अलग गाय थी और सारे गांव वाले अपनी अपनी गाय के दूध से सैराब हुआ करते थे। बगड़ू ने सोचा, कारोबार तो अच्छा है। अब बगड़ू ने रात होते ही एक गाय से सारा का सारा दूध निकाल लिया और सुबह होते ही दूसरे गांव में बेच आया। जब सुबह घर वालों ने गाय का दूध निकालना चाहा तो गाय में तो दूध ही मौजूद नहीं था, जिस पर घर वाले बहुत परेशान हुए कि भला हमारी गाय पर किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। इस तरह बगड़ू ने दूसरे दिन दूसरी गाय से दूध निकाला और खूब पैसे कमाए। बगड़ू को इस तरह बहुत मजा आ रहा था। वो आए दिन किसी न किसी के गाय में से दूध चुरा कर खूब पैसे कमाया करता था। लेकिन बगड़ू को खूब लालच सूझी। बगड़ू ने सोचा, क्यों न सारी गाय से दूध निकाल के एक ही साथ पैसे कमा लिए जाएं। और रात होते ही बगड़ू ने ऐसा ही किया। सारी की सारी गाय में से एक एक करके दूध निकाला और दूसरे गांव में बेचकर खूब पैसे कमाए। जिस गांव की गायों में से बगड़ू ने दूध निकाला था वो गांव वाले बहुत परेशान हुए और अपने करीबी गांव से जब दूध खरीदने गए तो देखा दूध तो बड़ा ही सस्ता मिल रहा है और बहुत ही खालिस है। लेकिन गांव वाले बहुत ही परेशान थे। ऐसी कौन सी बीमारी है कि हमारे गांव के गायों ने दूध देना ही छोड़ दिया है। गांव के एक शख्स ने बगड़ू से पूछा, ये दूध तुम कहाँ से लाते हो, बड़ा ही जबरदस्त दूध है। बगड़ू के मुंह से गलती से सच निकल गया, आप लोग की ही गाय का तो दूध है। ओ मतलब ये कि आप लोग की गाय मेरी गाय, आप जब चाहें मुझसे खरीद सकते हैं। बगड़ू ने खूब बातें बनाने की कोशिश की लेकिन शक तो पक्का ही हो गया था कि यकीनन दाल में कुछ काला है। अब गांव वालों ने मंसूबा बंदी के तहत छुपकर देखना शुरू किया। बगड़ू ने आकर उनके गांव से दूध निकाला है। इस तरह गांव वालों ने उस पर हमला करके उसको पकड़ लिया और खूब पिटाई लगाई। इस तरह बगड़ू की लालच की वजह से बगड़ू की सारी कमाई भी जाया हो गई और बगड़ू को खूब चोटें भी आई। सबक, लालच बुरी बला है। जिस चीज में भी लालच की जाए वो हमेशा नुकसानदेह होती है। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं एक मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।